हेलो एवरीबॉडी, हाउ डूइंग ऑल, दिस इज रोहित तनवर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम, कि इनकम क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं। यार हम जैसे कि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि इनकम बढ़ाने के लिए और इनकम के बारे में जानने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यार हमारा पर्सनल फाइनेंस में। तो हम शुरू करते हैं। तो यार हमारी इनकम वो होती है जिस भी तरीके से हम अपने पैसे कमाते हैं, आइदर इस बाय जॉब, इस बाय बिजनेस, इस बाय स्टॉक्स, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको पैसा आ रहा है यार, वो आपकी इनकम, आमदनी, आय होती है। ठीक है जी, इनकम हमारी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव इनकम, सेकंड वन इज़ पैसिव इनकम। तो हम शुरू करते हैं एक्टिव इनकम से। तो यार हमारी एक्टिव इनकम वो होती है कि जितना हम काम करेंगे हमें उसका पैसा मिल जाएगा, यानी कि हम अपना टाइम डिवोट करके उसके पैसे लेते हैं। अब चाहे हम 2 घंटे काम करें, 4 घंटे काम करें, हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिल जाता है। जैसे एग्जांपल से देखेंगे कि एक कोई हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि महीने का हमारा पैकेज होता है कि भाई 8 घंटे की एक दिन की शिफ्ट होती है ना उसकी, कि 8 घंटे काम करेंगे और हर महीने हमारी सैलरी आ जाएगी जो भी हमारी होगी। और हम अगर एक्स्ट्रा टाइम उसमें लगाते हैं जॉब में, कि भाई हम 2 घंटा एक दिन का लगा रहे हैं, अगले दिन हमने 3 घंटा लगा दिए, तो हमें उस 2 घंटे और 3 घंटे जो हमने एक्स्ट्रा लगाए उसके हमको पैसे मिलेंगे। तो यार ये होता है हमारा एक्टिवली काम करना, यानी कि हम जब जब काम पर गए, जब जब हमने काम करा, हमें उसके पैसे मिले रिटर्न में, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही हमारा यार आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होता है कि यार पैसिव इनकम में हमें काम नहीं करना पड़ता, लेकिन हमको इनकम आती रहती है। अब आप कह रहे हो यार ये क्या चीज़ बता दी, तो बहुत सही लग रही है सुनने में। तो भाई ऐसा नहीं होता, सुनो, पैसिव इनकम के लिए हम काम तो करते हैं पर हमेशा काम नहीं करते। हम सिर्फ एक बार ही मेहनत करते हैं, अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर देते हैं, उसके बाद फिर हमारी टीम हमारे लिए काम करती है। फिर चाहे हम कहीं पर भी घूमो, फिरो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम हमारे लिए काम करेगी, तो उससे हमको इनकम जनरेट होगी। अब ये होता कैसे है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि भाई कोई सीए है, डॉक्टर है, लॉयर है, यार ये जब तक अपने क्लाइंट से डील करेंगे ना, जितने टाइम तक डील करेंगे, इनको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा ये चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बाउंड है, टाइम है ही नहीं। अब एक डॉक्टर मान लो, डॉक्टर है कोई, वो एक दिन में 10 पेशेंट को देखता है, ठीक है जी, तो वो यार वो एक दिन में 10 पेशेंट के ही चार्ज करेगा, उससे एक्स्ट्रा थोड़ी चार्ज कर लेगा कि भाई देखे 10 हैं, पैसे 20 के ले लिए, ऐसा नहीं होता। अब अगर उस डॉक्टर को एक दिन में 1000 पेशेंट देखने हो तो वो कैसे करे, यार ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है सुनने में, है ना। तो यार ये एक्टिव में, अगर वो एक्टिव इनकम में काम करेगा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ये पैसिवली सोचे तो बिल्कुल हो सकता है पैसिवली। अब इसको कैसे देख सकते हैं, मान लो उस डॉक्टर ने अपना एक अच्छा खासा हॉस्पिटल खोल दिया, ठीक है जी, अब उसने और डॉक्टर्स को हायर कर दिया कि सर आप इधर आओ, सारे मतलब बहुत सारे उसने डॉक्टर इकट्ठे करके अपने हॉस्पिटल में बैठा दिए, अब वो इजीली 1000 जो भी है पेशेंट्स को देख सकेगा, यानी कि वो अपने टारगेट तक तो पहुंच चुका है ना, 1000 पेशेंट वो आराम से देख रहा है। अब ये जो डॉक्टर ने हॉस्पिटल खोला है ना, तो यार ये हमारे लिए तुम्हारे लिए तो हॉस्पिटल है, लेकिन उस डॉक्टर के लिए जिसने हॉस्पिटल खोला है उसके लिए ये है पैसिव इनकम जनरेशन सोर्स। उसने एक बारी मेहनत करके अपना हॉस्पिटल खोल लिया है, उसमें डॉक्टर्स को बैठा दिया है कि भाई आओ मेरे लिए काम करो ऑन सैलरी बेसिस, ठीक है, वो डॉक्टर सैलरी बेसिस पर उसके लिए काम करेंगे, अब वो काम करते रहेंगे। और जिसने हॉस्पिटल खोला है, अब यार चाहे वो गोवा जाए, टकीला मारे वहाँ पर, वो दुबई में जाकर शेख्स के साथ घूमे, वो कुछ भी करे, उसको पैसा आना ही आना है। ये होता है हमारा पैसिव इनकम। तो यार हम पैसिव इनकम में काफ़ी तरह से कमा सकते हैं, जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, हम कोई कंपनी रन कर रहे हैं, अब वो अच्छे से चल रही है, तो कंपनी हमको पैसा जनरेट करके देगी, वहाँ पर जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लोग हमारे लिए काम करेंगे, तो यानी कि हमारा सिस्टम बन चुका है। अब हम जागें, सोएं, रात को आएं, जाएं, कुछ भी करें, हमारी कंपनी रन हो रही है, हमको पैसा आ रहा है। दूसरा हमारा रेंटल सोर्स है, हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ा दी, हम उसका पैसा आ रहा है। किसी की खेतीबाड़ी है गांव में, उसको वहाँ से मुआवजा आता है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। हॉस्पिटल का जैसा भी एग्जांपल दिया इस तरह से। और हमारे जैसे क्लासरूम्स हैं, एक टीचर एक क्लास में बैठाकर यार 100-200 बच्चों को पढ़ा सकेगा, लेकिन अगर उसे अपनी रीच बढ़ानी है कि यार मेरे को तो काफ़ी सारे शहर में जाना है, काफ़ी सारे सिटीज़ में जाना है, और मेरे को उन बच्चों को भी पढ़ाना है, अपनी यार रीच बढ़ाएगा, जब भी तो उसके पास पैसिव इनकम का सोर्स होगा। आज के टाइम पर यार जो भी बड़ा बना है ना,
वो अपने लिंक से बनाए, जितना बड़ा लिंक होगा उसका उतना ज़्यादा उसके पास पैसा होगा, जितना छोटा लिंक उतने कम पैसे। तो लिंक इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई पैसे के, ठीक है। जितना बड़ा लिंक होगा उतना बड़ा पैसा होगा। क्लासरूम उसने बना दिया, ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है आजकल, ऑनलाइन क्लासेस दे दिया। अब यार उस पर दिन में भी वो आएंगे कि हमारा मतलब एडमिशन के लिए, उस पर रात में भी आएंगे कि हमारा एनरोलमेंट करिए, इसका एनरोलमेंट चलते रहेंगे। और वॉरेन बफेट साहब ने यार बोला है कि अगर आप सोते हुए भी पैसे नहीं कमा रहे ना, तो आपको जब तक पैसा कमाना पड़ेगा जब तक आप जिंदा हो। तो यार हमें तो फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है, हमें तो यार फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना। तो हमें पैसिव इनकम के लिए यार काम करना होगा, और काम करेंगे जब जाकर बनती है, बिना काम करे पैसिव इनकम भी नहीं बनती। पैसिव इनकम के लिए भी पहले एक्टिवली होकर काम करना पड़ेगा ना काफ़ी साल, ताकि हम उस सिस्टम को बना सकें, उस सिस्टम में जाकर वो सिस्टम समझ सकें। सिस्टम बनेगा तो ही हम उसके लिए काम कर पाएंगे, वरना पैसिव इनकम सब धुल जाएंगे। और भाई स्किल और टाइम से भी ऊपर उठकर कोई चीज़ आती है, वो आती है हमारी लेवरेज इनकम। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी काम हो रहा है। जैसे कि वो डॉक्टर, उसने हॉस्पिटल तो बना दिया, डॉक्टर्स को रख लिया हॉस्पिटल में कि आओ मिलिए काम करो। डॉक्टर चाहे काम करे ना करे, लेकिन अदर डॉक्टर्स हैं जो सैलरी बेसिस पर उस डॉक्टर के लिए काम कर रहे हैं जिसका हॉस्पिटल है। वो डॉक्टर चाहे अब काम करे ना करे, लेकिन और डॉक्टर्स हैं उसके लिए काम करने के लिए। कंपनी खोली आपने, आप उसके मालिक हो, आपने इंजीनियर बैठा दिए, वर्कर्स ले आए, सारे बैठा दिए, भाई अब काम करो मेरे लिए। अब जो जिसकी कंपनी है वो चाहे कंपनी में जाए ना जाए, काम तो हो रहा है ना उसका। तो यार ये लेवरेज में आता है, लेवरेज इनकम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। और यार लोग 20,000 रुपये कमाने के चक्कर में ना इतना बिजी हैं कि वो लाख रुपये कैसे कमाएं ना ये सोच नहीं पाते। तो यार चीज़ें सोचो, एक्सप्लोर करो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे ना उतना ज़्यादा देखने को, जानने को, सीखने को मिलेगा। तो यार एक्टिव होकर जब तक काम करो जब तक आपकी कोई पैसिव इनकम का कोई सोर्स ना बन जाए। और एक बार अगर पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा ना, तो फिर अपने और सोर्सेज बनाते चले जाओ। वो बोलते हैं ना अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते चले जाओ। आप चाहे कहीं पर भी, एक बार जब पैसे का कैश फ्लो अच्छा होने लगता है ना, उसके बाद सोच हमारी और अच्छी होती चली जाती है कि यार अब हम यहाँ प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब हम अपने शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हुई, हमारे SIPs हुए, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपना पैसा अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यार जैसे कि एप्पल के जो वो हैं फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ना कभी फ़ोन बनाया ना कभी बेचा। उन्होंने एक इकोसिस्टम बिल्ड करा जहाँ पर लोग उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि चाइना की कंपनी है फॉक्सकॉन, उसको बोला कि भाई हमारे फ़ोन्स बनाओ तुम और हम तुम्हें पैसे देंगे। फॉक्सकॉन एप्पल के फ़ोन बना दिए, स्टीव जॉब्स नहीं बनाते, फॉक्सकॉन उनके फ़ोन बनाती है और एप्पल वाले बेचते हैं। और आप देख लो कि एप्पल कहाँ ग्रो कर चुका है। ऐसे ही अंबानी साहब की जो सिम है जियो, अंबानी साहब थोड़ी बेचने आए थे यार मेरी जियो की सिम लो, लोग उनके लिए काम करते हैं, उन्होंने सिम्स बेची हैं, उनका बिजनेस देख लो कितना बढ़ चुका है। तो यार ऐसे ही हम धीरे धीरे करके एक्टिव से ही शुरू करेंगे, एक्टिव के बाद फिर हमारी पैसिव इनकम शुरू होती है अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं तो। ऐसे ही हमारा यूट्यूब चैनल भी एक पैसिव इनकम के लिए काम करता है। जैसे कि यूट्यूब अगर हम शुरू करते हैं और हमारी पब्लिक अच्छी खासी इकट्ठी हो जाती है, तो हमें वहाँ से स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, कोलेब्रेशन्स होते हैं, तो हमें वहाँ से काफ़ी अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो यार जाते जाते एक बात ज़रूर बोलूँगा, ये कहावत कही गई है ना कि जिसके पास नोट है ना उसमें सबसे कम खोट हैं। तो भाई पैसे कमाओ बहुत अच्छे से, और उसके लिए पैसिव इनकम का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करो, बाकी मज़े करो। थैंक यू सो मच।